एलईडी टीवी है एक सैमसंग का, और प्रॉब्लम आप देख लो क्या है। अभी इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, ये देखो एक बारी झपकी दी है इसने, बस सैमसंग लिखाया और फिर बंद हो गया। तो भाई सेट ओपन करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम क्या है सेट के अंदर। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, सेट लिया मैंने खोल, और इन्वर्टर की इसमें प्रॉब्लम थी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ, जो बंदे चैनल पे नए आए हैं वो समझ जाए, या फिर जो कुछ बंदे ऐसे हैं जो सीखना चाह रहे हैं अभी एलईडी का काम, तो वो समझ जाए। देखो यहाँ से लेके जो ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक ये है सप्लाई का एरिया। सप्लाई के यहाँ पे ये यहाँ पे निकलता है 12 वोल्ट, और यहाँ पे निकलती है 30 वोल्ट के करीब जो वोल्टेज हमारी इन्वर्टर को ऑन करती है। देखो ये जो वोल्टेज, ये एरिया है जो हमारा है वो इन्वर्टर का। इन्वर्टर ये एक मॉस्फेट लगा हुआ है, यहाँ से जो बैक लाइट की वोल्टेज, जैसे ही हम अपने रिमोट से स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो आईसी पे पल्स जाती है, पल्स जाने के बाद ये आईसी ऑन होती है 3.3 वोल्ट पर, और उसके बाद हमारा इन्वर्टर वर्क करता है। तो उसके बाद ये वोल्टेज जाती है हमारी बैक लाइट को, और ये हमारा जो है ये अपना मेन आईसी का एरिया है, ये इसकी फ्लैश आईसी है यानी कि सॉफ्टवेयर वाली आईसी, और ये अपनी जो केबल लगी हुई है वीजीए केबल जिसे बोलते हैं हम, जो हमारे स्क्रीन को सिग्नल दे रही है और वोल्ट दे रही है। तो 12 वोल्ट का पैनल है और 12 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, और आप जैसे देख पा रहे होंगे ये इसकी यहाँ से जो ये जा रही है, ये इसकी साउंड आईसी है। तो साउंड आईसी पे ये जा रही है, जो ये कनेक्टर है ये साउंड का है, और ये इसका ट्यूनर, ये वीजीए, और ये एचडीएमआई, और ये ऑक्स वाली केबल, और ये ऑडियो वीडियो की। अच्छा, तो इसमें मैं फॉल्ट के बारे में आपको बताने जा रहा था, इसमें फॉल्ट क्या है। इसमें प्रॉपर जो हमारी वोल्टेज नहीं बन रही है जो जाती है बैक लाइट पे, तो जो बैक लाइट पे जा रही है वोल्टेज नहीं बन रही है वो वाली। तो हम अब हमारा काम क्या है, हम करेंगे चेक इतना एरिया, ये एरिया, ये एरिया, मतलब इन्वर्टर के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक का ये इतना एरिया चेक करना है इस फॉल्ट के लिए। तो ये थी भाई इनकी टोटल स्टेज की जानकारी, और आप जैसे देख पा रहे होंगे इसमें आप ये कंडेंसर नया देख रहे होंगे, तो ये आप देख लो ये ब्लैक कलर के कंडेंसर थे इस टाइप के लगे हुए इसमें, तो इसमें भी ये फॉल्ट था कि इसका ये कंडेंसर ख़राब था इन्वर्टर का, 470 mAh 35 वोल्ट। तो चेंज कर दिया है मैंने कंडेंसर, और चेंज करने के बाद अब हम इसे सेट को चला के देखते हैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो ये लगा रहा हूँ मैं इसको लाइट में, आप देख लो इंडिकेटर जल गया है, और अभी स्क्रीन देख लेते हैं इसकी, जो एक आ रही थी और तुरंत चली जा रही थी। तो देखो जैसे ये आ गई है स्क्रीन, और अभी आप देख रहे होंगे अब नहीं जा रही है, तो इसका मतलब है सेट हो गया हमारा ओके। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। हो चुका है टीवी आपका बिल्कुल सही, आप देख पा रहे होंगे।